हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पारस। आई वर्क एट गूगल एज अ क्लाउड इंजीनियर। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप चैट जीपीटी का यूज़ करके क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सीख सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं या आप एक इंटरमीडिएट है या आप पहले ही वर्किंग प्रोफेशनल है क्लाउड इंजीनियर में, बट अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट लेवल के लिए मुझे प्रिपेयर करना है या आप चैट जीपीटी का यूज़ करके आपके प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक जरूर से लाइक कर देना मेरे एफर्ट के लिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। मैं इस चैनल पर ऐसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। तो आइए चलते हैं वीडियो पे। फ्रेंड्स, मैंने चैट जीपीटी को पहले सेटअप कर लिया है, लॉगिन वगैरह सारी चीज़ें मैं कर चुका हूं। तो मैं डायरेक्ट अब मेरे क्वेश्चंस, मैंने सेटअप क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर लिए हैं जिसमें मैं वो सारे क्वेश्चंस इससे चैट जीपीटी से पूछने वाला हूं और कैसे वो हेल्प करेगा आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, या आप अगर लाइव कोई काम कर रहे हैं, अगर आपको कोई क्लाउड इंजीनियरिंग रोल से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो कैसे कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ देखते हैं हम चैट जीपीटी की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं चैट जीपीटी को बताने वाला हूँ कि तुम्हें एज ए बिहेव करना है कि तुम एक 1 ईयर एक्सपीरियंस इंजीनियर हो तो वो कैसा बिहेव करेगा। उसके बाद मैं उसको सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपने ब्राउज़र पर आ गया हूँ और ये मैंने अपनी चैट जीपीटी पहले से, जैसा कि मैंने बताया, पहले से ओपन कर रखा है। अब यहाँ पर मैं इसको ये बताने वाला हूँ। मैंने क्या लिखा, बिहेव लाइक ए क्लाउड इंजीनियर विथ 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर क्वेश्चन फ्रॉम माई एंड। तो इसको ये रहेगा कि मेरे को इस अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। सो पहला क्वेश्चन जो मैं इससे पूछने वाला हूँ कि सजेस्ट मी सम इंस्टेंसेस विथ लोअर कॉस्ट बट मैक्सिमम अवेलेबिलिटी इन GCP। नंबरिंग हटा देता हूँ। अब ये देखते हैं क्या क्या आंसर देता है। ऐसे ही जैसे मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं, आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन कलेक्ट कर सकते हैं, उस सारे क्वेश्चंस को आप ले जाके चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। लाइक आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना है और कोई भी क्वेश्चन है आपके इश्यू से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। देखिए, अभी जो मैंने इससे क्वेश्चन पूछा था कि लोअर कॉस्ट के अकॉर्डिंग और मैक्सिमम अवेलेबिलिटी के अंदर कौन कौन से इंस्टेंसेस मैं यूज़ कर सकता हूँ GCP पे, तो उसने उस सारे इंस्टेंसेस मुझे बता दिए, साथ ही साथ उसमें उसका जो डिस्क्रिप्शन है पूरा दे रखा है, जैसे लाइक F1-micro instance, G1-small, N1-standard-1 instance। और इसने एक चीज़ और अच्छी लगी मुझे कि इसने एक और डिस्क्रिप्शन और आगे देता हुआ होता है कि कीप इन माइंड दैट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंस्टेंसेज डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स सच एज नंबर ऑफ इंस्टेंस यूज द रीजन अटैच स्टोरेज एंड नेटवर्क। लेट सपोज आपके पास कोई क्वेरी आती है इस तरह की, तो आप अगर ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करेंगे तो बहुत ही वैल्यू एडिशन होगा। तो आइए चलिए देखते हैं कि और भी क्वेश्चंस के कैसे आंसर देता है। अगर आपको अभी तक इस वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और मेरा जो एफर्ट मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ उसके लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो मैं अब इससे पूछने वाला हूँ कि विच वॉल्यूम टाइप इज बेस्ट इन AWS फॉर मैक्सिमम IOPS। देखते हैं इसका क्या आंसर देता है। मेरा इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे थोड़ा सा स्लो है तो ये थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है और कई बार क्या होता है कि चैट जीपीटी पे लोड भी बहुत ज़्यादा होता है, उस वजह से कई बार इसका रिस्पॉन्स आने में भी टाइम लगता है। A few moments later. देखो, इसने बता दिया द बेस्ट वॉल्यूम टाइप ऑफ मैक्सिमम IOPS इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकेंड इज प्रोविजन IOPS, इसका नाम है IO1 वॉल्यूम। One eternity later. और इसने ये भी बताया यू कैन प्रोविजन स्पेसिफिक नंबर ऑफ IO अप टू मैक्सिमम ऑफ 80,000 IOPS फॉर ईच वॉल्यूम। इसने और सारे भी ऑप्शंस दिए हैं, इसमें आप और कौन कौन से ऑप्शंस भी ले सकते हो कि लाइक अगर आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है तो वो सारी चीज़ें भी आप यूज़ करके आप शेयर कर सकते हो आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन। और सबसे ज़्यादा जो आपको क्लाउड इन कंप्यूटिंग सीखने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है जो आप प्रैक्टिस करते हो, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप ये सारी इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी से उठा के आपने यूज़ के लिए ले सकते हो। अब जो मैंने क्वेश्चन इससे पूछा है, प्लीज़ राइट GCloud कमांड फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस सर्विसेज इन GCP। अब देखते हैं इसका क्या आंसर लेके आता है। बट अभी तक जितने भी मैंने इससे क्वेश्चंस पूछे अभी तक मैं सेटिस्फाइड हूँ। अगर मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग सीखनी है, लाइव डेमो करना है, अगर क्वेश्चंस मेरे पास, अगर मैं इंटरव्यूज़ में जा रहा हूँ, मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सारे क्वेश्चंस मैं लाके यहाँ पे डाल सकता हूँ, इसका मैं एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना के अपने पास रख सकता हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर इंटरव्यू में जाने से पहले
इस डॉक्यूमेंट को अगर मैं गो थ्रू करूंगा तो मेरा काम हो सकता है। A few moments later, देखिए यहाँ पे इसने पूरा कमांड का एग्जांपल के साथ था दे दिया है कि जी क्लाउड एसक्यूएल इंस्टेंस क्रिएट एंड देन टियर रीजन डेटाबेस वर्जन रूट पासवर्ड वो सारी चीज़ यहाँ पे दे दी है। इन सारी चीज़ों को यूज़ करके आप अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। तो ये अगर आप लाइव कर रहे हैं GCP कंसोल पे या जी क्लाउड के थ्रू तो सारी कमांड्स यूज़ करके आप डायरेक्ट उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, है ना, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। देखो ये सारे जो इसके कोड हैं और सारी इन्फॉर्मेशन ये यहाँ लेके आ गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम बच सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपका एफर्ट भी बचेगा। जो भी आपके क्वेश्चन है इस यहाँ पे आके पूछो और यहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करो और आप अपने कंसोल में जाके वो ट्राई कर सकते हो। सो बेस्ट वे ऑफ लर्निंग क्लाउड क्या होता है कि आप जाके हिट एंड ट्राई करो, तो ये चीज़ यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच इंस्टेंस टाइप इज परफेक्ट फॉर वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट इन GCP। जितने यहाँ पे क्विकली आंसर आ रहे हैं उससे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आपका टाइम सेविंग होने वाला है और आप जल्दी जल्दी सीख पाएंगे सारी चीज़ों को, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। लाइक अगर ये कोई डेटा दे रहे हैं तो उसका बेस क्या है वो भी आप पूछ सकते हैं। और सेम चीज़ को मैं ट्राई करूँगा कि लाइक अगर ये 3 साल का एक्सपीरियंस होता तो ये इस चीज़ को ही कैसे आंसर करता, वो भी इससे पूछते हैं अभी। अब मैं इससे पूछने वाला हूँ कि तुम्हें बिहेव करना है लाइक 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस क्लाउड इंजीनियर और सेम क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। देखते हैं कि डिफरेंट तरीके से बता सकता है कि उसको बिहेव लाइक ए क्लाउड इंजीनियर विद 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड आंसर द सेम क्वेश्चन। लेट्स सी, देखिए आंसर टोटली डिफरेंट है। तो जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो इसको डिफरेंट तरीके से मॉडरेट भी कर सकते हैं, तो है ना काफ़ी कमाल की चीज़। लाइक आप अगर बहुत एक्सपीरियंस रोल के लिए जा रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस कम है बट अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है वहाँ तक पहुँचने की, तो यहाँ पर आपके ये सारे डिस्कशन आप कर सकते हैं कि सेम क्वेश्चंस को 3 डिफरेंट लोग किस तरह से आंसर करेंगे डिफरेंट एक्सपीरियंस लेवल पे, है ना, काफ़ी अमेजिंग थी। और आपको ये चीज़ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, तो आपको मैं बस ये बोलूँगा कि जाओ ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो, डिफरेंट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करो और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपने जो ट्राई किया। मुझे पता है कि काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं बट इसको ट्राई नहीं करते, एक बार जाओ ट्राई करो। आपको कुछ भी डाउट है इस टूल से रिलेटेड वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में डालो या आप इंस्टाग्राम पे या आप टॉपमेट पे आके डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो। अगर ये वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई है वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना और इस चैनल पे पहली बार आया हो तो कम्युनिटी से जुड़ने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।